Welcome viewers, welcome back to Second Eyes. This video is about analytical chemistry quiz number 1 जो कि जिसका लिंक मैंने पहले शेयर कर दिया था. अब उसकी डिस्कशन है. जिन्होंने टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किया था तो वो टेस्ट को पहले अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिकेटर यूज इन द EDTA मेथड इज. अब EDTA मेथड क्या होता है? इट्स अ मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक काइंड ऑफ टाइट्रेशन. कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कॉम्प्लेक्स बनता होता है जिसको बाद में हम इंडिकेटर्स उसका जो कलर जो चेंजिंग है वो ऑब्जर्व करते हैं. तो वो हमारे पास इंडिकेटर होता है एरिक्रोम ब्लैक टी. NMR इन दिस इज द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी बाय द न्यूक्लिया इन द मैग्नेटिक फील्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक टाइट्रेशन. सो वुलहर टाइट्रेशन इज अ बैक टाइट्रेशन. विच इज द सोल्यूबल इन वाटर. इसमें मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूबल होता है, बैरियम सल्फेट नहीं होता, क्योंकि बैरियम सल्फेट के अंदर जो लैटिस एनर्जी का फैक्टर होता है वो प्रीडोमिनेट कर जाता है एज कम्पेयर टू द हाइड्रेशन एनर्जी. जबकि मैग्नीशियम सल्फेट में हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर डोमिनेट करता है जिसकी वजह से ये वाटर में सोल्यूबल होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज नॉट यूज इन NMR. अब NMR के अंदर हम प्रोटॉन वाला केमिकल एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इन दैट केस दैट प्रोटॉन विल बी गोइंग टू इंटरप्ट द NMR ऑफ अवर डिजायर्ड कंपाउंड. That would be the answer of it. The relation between the Larmor frequency, angular velocity of precessional orbital is given by this is very quite simple. And और ये last time भी paper में आया हुआ था हमारे paper में, तो ये notes में दिया गया है पिविया के, जहाँ पर वो formulas वगैरह हैं वो आप last में देख लीजिएगा. Degree of dissociation of the weak electrolyte is proportional to. So it's this osmodilution law. Osmodilution law क्या कहता है कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर रूट ऑफ द डाइल्यूशन के. जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास डिसोसिएशन होगी, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी उतनी ही कम हमारे पास डिसोसिएशन होगी. सो दैट वॉज द केस ओवर हियर. दैट वॉज बी द राइट आंसर. कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो एक्चुअली हमारे पास पार्टीशन भी हो सकती है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, हम जो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं वहाँ पर, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोन हैज़ अ मोर केमिकल शिफ्ट इन NMR. केमिकल शिफ्ट NMR के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी. यहाँ पर होता क्या है कि जब हम बात करते हैं केमिकल शिफ्ट और डी शील्डिंग की, तो हमें देखते हैं कि TMS को हम एज स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं. हम अस्यूम करते हैं कि हैविंग द मैक्सिमम शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन. इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो हर तरफ से शील्डेड होते हैं, ठीक है. मतलब कि यहाँ पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो होता है दे आर वेरी वेल इन्वायरमेंट इनका सेम होता है और सब एक तरह से जो होते हैं वो शील्डेड होते हैं. जब हम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी ऐड करती हैं हाइड्रोजन के साथ, फॉर एग्जाम्पल वी टेकिंग ऑक्सीजन, देन इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट, इट विल गोइंग टू चेंज इट्स स्पिन एंड देन दिस शिफ्ट विल बी टूवर्ड्स हायर केमिकल शिफ्ट वैल्यू. ये जीरो है ना, यहाँ पर शिफ्ट वैल्यू यहाँ पर हायर होगी जिससे हम पीछे चल जाएंगे. मतलब जितनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी उतनी ही ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी. अब बस आप इतना याद रखें इसको, ठीक है. बट इज द यूनिट ऑफ द मोलर एब्सॉर्बिटिविटी और एब्सॉर्बिटिविटी विच इज़ यूज इन टू डिटरमिन द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए इन बेयर लैम्बर्ट्स लॉ. जब भी आपको प्रॉपर आप इसका एक्सप्रेशन देखते हैं तो वहाँ से भी आप इसको ड्राइव आउट कर सकते हैं. मोस्ट कॉमन एब्जॉर्बेंट इन TLC इज सिलिका जेल एंड द केमिकल शिफ्ट हैज़ द यूनिट ऑफ द पार्ट्स पर मिलियन. ग्रुप प्रोड्यूसिंग डी शील्डिंग इफेक्ट कॉजेज. अच्छा, अब ये वही बात है कि जिसमें जितनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी उतना ज़्यादा उसका केमिकल शिफ्ट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड सेपरेशन ऑफ द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. जब हम सैम्पल साइज को रिड्यूस करते हैं ना, जब हम सैम्पल साइज को रिड्यूस करते हैं और डायमीटर को भी कम करते हैं, तो जो हमारे पास सैम्पल फ्लो करता है वो इवन फ्लो करता है, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी ठीक आती है. जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बल्क में सैम्पल होगा तो अन ईवन फ्लो के चांसेस ज़्यादा होंगे. दैट्स वाई इट गोइंग टू डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी. वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द 3 सिग्नल्स इन NMR. अच्छा, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है इट्स वेरी सिंपल. इसमें तीन ही हाइड्रोजन वाला ये एक ही कंपाउंड है तो ये करेगा, लेकिन जब आपके पास एग्जाम में तो वो डिफरेंट तरह के बड़े बड़े भी हो सकते हैं जिसको देखने में आपको टाइम लग सकता है. तो अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कीजिएगा कि आप बड़े जो स्ट्रक्चर्स हों पहले उनको खोल के लिख लीजिए, ताकि आपको हर किसी हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से पता चले और फिर आप उसका एग्जैक्ट आंसर सही निकाल
सकें। कभी भी किसी कभी स्ट्रक्चर को ऐसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो सिंपल दो ही बने हुए हैं, कोई भी जैसे CH3, सॉरी सॉरी CH2Cl ऐसे करके यहाँ पर एक H लगा दें, यहाँ पे कुछ अभी आप कर दें, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ से ही बन नहीं रहा, लेकिन आपको मैं बताना ये चाह रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रक्चर हैं और वो आपको इस फॉर्मूले की शक्ल में दे दी गई हैं, तो आप उसको खोल कर पहले स्ट्रक्चर बना लें और फिर उनको देख लें कि किसका एनवायरनमेंट कौन सा है। अगर जो जिनके जो एक ही तरह के इन्वायरमेंट में होंगे तो वो वन कंसिडर किए जाएंगे, जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में होंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंसिडर किए जाएंगे। सीमेंस इफेक्ट जो होता है यहाँ पर, सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सेपरेशन ऑफ अप टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट पॉइंट, सीमेंस इफेक्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो हम कंसिडर कर रहे होते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल अंडर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर चार्जेस की बात नहीं आ रही, यहाँ पर इंटरनली स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल की बात आ रही है, जो कि स्प्लिट जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं बाय ऑर्बिटल स्प्लिटिंग या फिर स्पिन स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर जो सेपरेशन होगी वो स्पिन स्टेट की होगी इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर चार्जेस का कोई लेना देना नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज हैव डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एबिलिटी टू बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब नाइट्रोजन के अंदर जो होते हैं वो सारे आप जानते हैं, नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, और इनके को भी अगर आपने देखना हो तो देख सकते हैं कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास किस नंबर में आएंगे, वो हमारे पास ऑड नंबर में आएंगे, तो ऑड नंबर जो होंगे वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब हम आगे फर्दर जाते हैं, द टाइम टेकन बाय द एनालाइट टू रीच इन डिटेक्टर आफ्टर सैम्पल इंजेक्शन इज कॉल्ड द रिटेंशन टाइम, और इस रिटेंशन टाइम के बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सोल्यूट है। विच इज़ द यूनिट ऑफ एब्सॉर्बेंस, एब्सॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं होता, ये कैंसिल आउट कर देती है कंसनट्रेशन टर्म और उसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज इज इमोबिलाइज बायोकेमिकल एसोसिएशन फेज। अच्छा जी, बायोकेमिकल स्पीशीज जो होती है अफिनिटी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो कॉलम होते हैं ना उसके अंदर हम एक सर्टेन टाइप ऑफ द बायोकेमिकल कंपाउंड लगा देते हैं, और जब जिस चीज़ को हमें एनालाइज करना होता है, जब वो हम उस कॉलम अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की हम बात कर रहे थे, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है कि बायोकेमिकल जो कंपाउंड होता है ना वो डायरेक्टली या किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए अफिनिटी शो करता है, जिसके साथ वो बाइंड कर जाता है और हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, तो एक स्पेसिफिक कंपाउंड की दूसरे कंपाउंड के साथ एफिनिटी होती है, उसके साथ रिएक्ट करता है, वहां पे बाइंड हो जाता है, हम फिर उसको एनालाइज कर देते हैं। तो ये था व्हाट विल बी द पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट इन द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्राइट्रेट होगा ना, तो एंड पॉइंट पे जो इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो पीएच होगी ना वो हायर देन 7 होगी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बेस। इन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज कैन बी सपोर्टेड ऑन सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। velocity of EMR in the vacuum, अच्छा वैक्यूम के अंदर जो होती है ना EMR की velocity वो comparatively higher होती है as compared to when it's present in the medium, so हम इसको ऐसे कहेंगे कि velocity of EMR in vacuum increases. इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज हाईएस्ट स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज ऑफ द फ्लोरीन। जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो जो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं डाउन द ग्रुप, दे आर हैविंग द हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन बुक में जो है रिडक्शन था, तो आपने उसी चीज़ को फॉलो करना अगर मेंशन ना हो तो। वैल्यू ऑफ की एसपी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, सो लेट्स सबमिट। अच्छा जी, तो मेरे पास जो होता है वो आज कोई नहीं था, तो मुझे कुछ टाइम मिल गया, आपकी सारी वीडियोज जितनी थी पेंडिंग थी वो मैंने रिकॉर्ड करती हुई है। अभी आगे हैं सब लोग, तो फिर आगे फिर उसके बाद। अल्लाह हाफिज़।